हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है। साथ ही साथ ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको अपने 3 साल का वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में। तो यार, ये वीडियो केवल मेरी कहानियों के बारे में ही नहीं होने वाला है, मैं अपनी कहानियाँ ही नहीं सुनाने वाला हूँ। हो गया ख़त्म। ओके, तो आज की वीडियो में मैं केवल अपनी कहानियां ही नहीं सुनाने वाला हूं, उसी के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी बताने वाला हूं कि क्या क्या आपके साथ 3 साल में होगा, साथ ही साथ क्या सही डिसीजंस और क्या सही चीज़ें मैंने सीखी और क्या मैंने गलत डिसीजन लिए जो आपको नहीं लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। इन 3 सालों में क्या क्या आगे होने वाला है आप लोगों के साथ, उसको आपको मेरी नज़रों से देखना होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूं। बिकॉज आज का ऐसा टाइम है, आप लोगों को पता है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो चुकी है कि भाई इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ है, आप बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन सकते हो, उससे आपको पहले ही काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा बेयर विद मी, बट अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे तो आपके 3 साल आगे बहुत प्रोडक्टिव जाने वाले हैं। तो यार, कहानी शुरू होती है 2011 में, जब मैंने 12th पास करा था और उसके बाद मैं अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या। मैंने इंजीनियरिंग वगैरह का फॉर्म भी भरा था और साथ ही साथ मैंने होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भी भरा हुआ था। इंजीनियरिंग में तो रैंक इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन होटल मैनेजमेंट में जो है, सडनली एक दिन मेरे को मेरे पापा का फ़ोन आता है, मैं गांव में था तो इसलिए मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया कि मेरी रैंक 1016 आ चुकी है और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यार, अगले दिन मुझे गाँव से आना पड़ा अपने देहरादून काउंसलिंग के लिए, और जब मैं काउंसलिंग के लिए गया उसके बाद जाके मैंने अपनी एक्चुअली रिसर्च स्टार्ट करी। देख रहे हो आप, जब मेरी काउंसलिंग शुरू होने वाली थी तब मैं रिसर्च करना शुरू किया। आप जान सकते हो, आप लोगों के टाइम पे तो ये है कि इंटरनेट है, सब कुछ है, यूट्यूब है, आप लोग बहुत सारे ओपिनियंस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन हमारे टाइम पे ओपिनियंस होते थे बगल वाले भैया के, या फिर कोई दूर के अंकल या रिश्तेदार के जिनका बेटा विदेश जा रखा है, उन अंकल ने हमको सजेशन दिया होता था कि होटल मैनेजमेंट में ये होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि हमें क्या सजेशन मिलते रहेंगे। मतलब उस समय तो परसेप्शन सिंपल होता था, होटल मैनेजमेंट मतलब या तो आप शेफ बनोगे या फिर आप कहीं मैनेजर वैनेजर ऐसा कुछ बन जाओगे। तो टेक्निकली हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था। और एक्चुअली जब मैंने भी होटल मैनेजमेंट करा, मुझे कोई कॉलेज नहीं पता था कि कौन सा कॉलेज बेटर है। IHM पूसा के अलावा मुझे कोई नहीं पता था कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा बेकार है। ये भी नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं। तो जब मैं काउंसलिंग के लिए गया, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आप या तो आपकी रैंक में आपको पूसा तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप या तो दूसरे ऑप्शंस के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर के लिए या फिर चंडीगढ़ वगैरह के लिए। तो चंडीगढ़ मुझे काफ़ी सही ऑप्शन लगा, बिकॉज देहरादून से चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 160 किलोमीटर्स के आसपास है। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, और इस तरह मैंने चूज करा अपना कॉलेज AIHM चंडीगढ़। तो यहां से आप लोगों की भी आगे कहानी शुरू होगी। यहां तक आई नो आप लोगों ने रिलेट नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज आजकल आप लोग काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह कर लेते हो। हम लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, तो हम लोगों ने कोई भी रिसर्च इतनी अच्छी करी नहीं थी। लेकिन उसके बाद से जो अब आगे स्टार्ट होने वाला है, वो सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं कॉलेज गया, मुझे हॉस्टल भी अलॉट हो गया था, तो फर्स्ट ईयर मेरा टोटली हॉस्टल में था। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों के लिए पहला 1 महीना तो बिल्कुल एलियन था, बिकॉज हम लोगों को होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो, वीडियो मैंने बना रखी है क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब हमें ये पता लगा, तो हम लोग वी वर लाइक ओके, ये सब चीज़ें होती हैं होटल में। उसके बाद हमें ये पता चला कि उनका डिपार्टमेंट्स में काम क्या होते हैं। ये सब चीज़ें करते करते, डाइजेस्ट करते करते हमको 1-1.5 महीना लग गया। पर आप लोगों के केसेस में ऐसा नहीं है, बिकॉज आप लोग ये वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे काम होता है, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको करना होगा 3 साल में, ये सारी चीज़ों के बारे में। और इस वीडियो से आपका 3 साल का जो पूरा डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यार, जब होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में स्पेशली हम जैसे लोग जो बिल्कुल भी कोई रिसर्च करके नहीं गए थे, हम जैसे लोग जब होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में गए, तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आता है कि हमने एक स्कूल छोड़ा और दूसरे स्कूल में आ गए, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। कॉलेज हम ये लोग सोचते थे कि कॉलेज में थोड़ा फ्रीडम होता है, थोड़ा ये होता है, वो होता है, बट एक्चुअली स्पेशली मेरा जो कॉलेज था AIHM चंडीगढ़, वहाँ पर फ्रीडम कम था।
ना फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, फ्रीडम से मेरा मतलब था कि हम लोग, हमें टाइमिंग्स पे आना होता था, टाइमिंग्स पे ही जाना होता था। इन केस अगर हम 9 बजे एंटर हो गए तो हम 5 बजे से पहले नहीं जा पाते थे कॉलेज से बाहर। ग्रूमिंग एस्पेक्ट जो था, आप यकीन नहीं मानोगे, जब कॉलेज में गए तब जाके पता लगा कि ग्रूमिंग कैसे करनी होती है। शेविंग कंप्लीट रखनी होती है, हेयर्स छोटे रखने होते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ा शुरुआत में, बिकॉज शेविंग करनी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं पता था। और अगर मैं बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं तो सब्जेक्ट्स में आपको बेसिकली बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब है कि कौन किसके नीचे काम करेगा, आप किसको रिपोर्ट करते हो, ये सब चीजें आपके। उसके बाद आपको बेसिकली थोड़े टाइप्स ऑफ रूम्स वगैरह बताए जाते हैं फ्रंट ऑफिस में। हाउसकीपिंग में भी आपको टाइप्स ऑफ रूम्स, टाइप्स ऑफ होटल्स वगैरह चीजें बताई जाती हैं। किचन में आपको बेसिकली टाइप्स ऑफ कट्स वगैरह सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ F&B सर्विस में आपको ये बताया जाता है कि डिनर प्लेट कौन सी होती है, डेजर्ट प्लेट कौन सी होती है, डेजर्ट होता क्या है और मेन कोर्स क्या होता है, एपेटाइजर क्या होता है या स्टार्टर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक एक छोटा सा नॉलेज दिया जाता है। और इन सब चीज़ों को करते करते हमारा फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। एक चीज जो एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, वो जो करेगा ही करेगा, वो है शेफ ड्रेस में अपनी फोटो खिंचवाना। वैसे ही मैंने भी करा, और यकीन मानो इस फोटो को देख के, मैं अभी आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, उस फोटो को देख के ना लिटरली मैं पूरा रिएक्शन दे सकता हूँ इस फोटो को देख के। आप ध्यान से देखिए, मैं पका रहा था केवल एक बीन्स को, जो कि जिसका डिश का नाम था हैरिकॉट वर्थ, मुझे आज भी याद है, एक इट इज़ अ साइड डिश, तो हम वो बना रहे थे। और आप ध्यान से देखो, गैस तक नहीं ऑन है, सिर्फ पोज मारने के लिए ये वाला फोटो खिंचाया था। और सेम पोज में मेरे फ्रेंड ने भी जाके इंटरचेंज करके पोज में फोटो खिंचवाया था। कुछ लोग इससे थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, वो फ्लाम्बे कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा आग लगा देते हैं पैन में और वो सब चीजें दिखाते हैं। तो आई नो ये सब चीजें भी आप लोग भी करने वाले हो, इस तरीके का एंजॉयमेंट। तो उसके बाद आया सेकंड सेमेस्टर, जो आप लोगों का भी जल्दी ही आएगा। उसमें बेसिकली और बेसिक्स को थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके बताया गया, जैसे कि जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, इन सबका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब चीज़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई। आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, तो प्रैक्टिकल फ्रंट ऑफिस के प्रैक्टिकल में कई बार हमें रोल प्ले वगैरह करवाया जाता था कि अगर आप एज अ गेस्ट रहोगे और उनके सामने कोई दूसरा जो आपका साथी होगा, वो बेसिकली एज अ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की तरह को वेलकम करेगा। सर्विस में हमको बेसिकली बेसिक सर्विसेज बताई गई, किस साइड से हमें प्लेट सर्व करनी है, हमें फूड सर्व करना है किस साइड से हमें क्लियरेंस करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ग्लासेस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। इन सब में मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा ना, मैं सही बताऊं तो, वो था फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। इस मेन्यू को याद करने के चक्कर में इतने रट्टे मारे हैं ना, तो आप लोग भी इस पे जरूर रट्टा मारोगे, लेकिन इसको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था आगे आने वाले टाइम के लिए। और ये सब करते करते आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लीज अटेंडेंस, ग्रूमिंग, इन सब चीजों के मामले में आपको बहुत अप टू डेट रहना है। ग्रूमिंग के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज उस वीडियो को आप जाके देख लेना, बाद में सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आगे वो आपको अपडेट मिले। साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस अगर मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कॉलेज में भी अटेंडेंस के लिए काफी स्ट्रिक्टनेस थी। अगर आपकी अटेंडेंस जितना भी, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, इससे कम अगर रहती है, तो फिर आप हो जाते हो डिटेन और आपको एक साल पूरा वेट करना पड़ेगा उस सेमेस्टर को फिर से पढ़ने के लिए। तो इसलिए प्लीज अटेंडेंस के मामले में होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, स्पेशली IHMs बहुत स्पेसिफिक होते हैं, आप लोगों को उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो ये सब करते करते आपका फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट, और तब तक हम लोगों को एक हल्का फुल्का आइडिया लगने लगा था कि होटल मैनेजमेंट में आखिर क्या होता है, बिकॉज हम लोगों को उतना मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, इस वजह से हम लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता थी। जो सुनने में आ गया वो समझ लिया। सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ, वहाँ से हमारा एक दूसरा फेज शुरू हो गया। नाउ टू बी ऑनेस्ट विद यू, सेकेंड ईयर जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है होटल मैनेजमेंट का। यहाँ से आपका जो होता है मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन बन जाती है, या तो आप होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर आप यहीं से डिमोटिवेट हो जाते हो। तो यार ऐसा मैंने क्यों बोला, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सेकेंड ईयर में आपका होता क्या है। तो यार बेसिकली IHMs में एक पैटर्न फॉलो होता है, जिसमें A से लेकर N या M तक के नाम वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जिनका भी नाम A से N तक शुरू होता है,
वो बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं अपनी ट्रेनिंग पे, और बाकी बचे बच्चे जिनका नाम NEIM से शुरू होता है और Z तक होता है, वो सारे बच्चे जो होते हैं अपना थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो होता है फोर्थ सेमेस्टर जो होता है उसमें उल्टा हो जाता है, जिसमें आपका N से लेकर Z वाले जाते हैं अपना ट्रेनिंग पे और A से लेकर NEIM तक के नाम वाले बच्चे जो होते हैं अपना फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं, जो N से Z वालों ने थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया होता है। ओके, तो क्योंकि मेरा नाम शुरू होता था V से, तो मैं था N से Z वाले उस बैच में जिसने अभी फिलहाल अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर यानी विंटर बैच में जो जो कि आपका दिसंबर से शुरू होना था उसमें ट्रेनिंग जाना था। तो अगर ये जो मैं थर्ड सेमेस्टर बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका सेमेस्टर होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपके जो सब्जेक्ट स्पेशली F&B सर्विस है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं। अल्कोहल, यानी कि आप सीखते हो कि भैया बियर कैसे बनती है, विस्की कैसे बनती है, टकीला, वोडका, ये सब चीज़ों के बारे में आप सीखते हो, कैसे इनकी सर्विस होती है, कैसे ये करा जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते तो हमारा थर्ड सेमेस्टर निकल जाना था, लेकिन इसी बीच मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। वो ये था कि एक तो मैं था इंट्रोवर्ट, ऊपर से था शाय, और उसके ऊपर मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, और जल्दी हमारे ट्रेनिंग के इंटरव्यूज़ भी होने वाले थे एक आधे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ये चीज़ लगने लगी थी कि आगे होगा क्या। साथ ही साथ ट्रेनिंग से भी कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ हमारे जो साथ के फ्रेंड्स थे, उन लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ आने लगे थे, कुछ लोगों के अच्छे थे, कुछ लोगों के नेगेटिव थे। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस वाला माहौल हो गया था कि आगे क्या होगा, ट्रेनिंग आने वाली है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो इसी दौरान क्योंकि अभी उस चीज इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ के मैंने अपना फोकस शुरू करा कम से कम इंग्लिश सुधारने में। तो गाइज, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि भैया शुरुआत से फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दीजिए, वरना अदरवाइज़ क्या होगा, सेकेंड ईयर जो होता है आपका सिर्फ 3-4 महीनों का होता है, 4 महीने का, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी या फिर आप सेकंड बैच में हो, जैसे भी हो, आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी या सेकंड ईयर खत्म होगा तो आप सीधे प्लेसमेंट में बैठ रहे होंगे और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप अपनी इंग्लिश को सुधार सको। और इंट्रोवर्ट और शाइनेस तो मैं सुधार नहीं सकता था इतनी आसानी से, लेकिन एक चीज़ थी जो एक पार्ट था इंग्लिश, उसको मैं थोड़ा सा सुधार सकता था, और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू करा उस पे। मैं और मेरा फ्रेंड था एक सौरभ नाम का, हम दोनों एक रूम पे रहते थे, और उसको भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह देना तो आना ही चाहिए इंग्लिश में, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। और तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे को देख देख के हंसी आ रही थी, तो हम लोगों की हंसी छूट रही थी इसलिए हमने करी लाइट बंद और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना शुरू करा। और धीरे धीरे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब ये होने लगे कि ओके हम बोल सकते हैं, तो हमने एक दूसरे को इंट्रो वगैरह और अपने एक तरीके से एक फेक इंटरव्यूज़ वगैरह अपने करने शुरू करे। उसके बाद आया हमारे ट्रेनिंग के इंटरव्यूज़ का टाइम, जिसमें एक दो इंटरव्यूज़ भी हुए थे, लेकिन उसमें से एक जगह एक बार हमें जाना पड़ा दिल्ली, जिसमें दिल्ली में लीला कैंपेंस की नाम का होटल था, वहाँ पर हम गए, जो कि अब लीला दलीला हो गया। वहां पे जाके हमने इंटरव्यू दिया। बेसिकली इंटरव्यू से पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में 10-15 लोग एक साथ बैठते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें उनको डिस्कस करना होता है। वहां पे क्या हुआ, क्योंकि थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन करी हुई थी तो इसलिए एक रैंडम टॉपिक पे जो उन्होंने बोलने को बोला तो वहां पे थोड़ा बहुत बोल लिया, और उसकी वजह से ग्रुप डिस्कशन में तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब PI की बारी आई तो वहाँ पे जाके थोड़ी दिक्कत हो गई। रीज़न क्या था कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाय था, उस समय में बहुत ज़्यादा ही था, अब तो थोड़ा कम हो गया हूँ। उसकी वजह से जब मैं PI के लिए अंदर गया बैठा तो मैं काफ़ी मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं दे पाया, और साथ ही साथ जो सामने बैठी थी वो HR में थी और ऊपर से थी लेडी, और मेरा ढंग से आई कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑलरेडी गिर रहा होता है वो और ज़्यादा गिर गया। इसलिए गाइस जब भी इंटरव्यू देते हैं तो आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना होता है। तो मुझे भी वहाँ पर रियलाइज़ हो गया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, वहां तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह एक रेडिसन में जाके मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। नाउ यहाँ पे आता है आपका मेक एंड ब्रेक सिचुएशन वाला टाइम, बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम है जहां पे आप फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम करना शुरू करते हो। काफी लोगों के यहाँ पे नेगेटिव परसेप्शंस बन जाते हैं इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक्चुअली में इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके दो मेजर कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि आप पहली बार इंडस्ट्री में काम करने जा रहे होते हो,
माहौल में जा रहे होते हो तो आप उस तरीके के लिए हैबिचुअल नहीं होते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग होते हो हायरार्की यानी कि पोजीशन में सबसे नीचे, यानी आप होते हो एक ट्रेनी जिसके नीचे कोई नहीं होता है, तो आपको हर कोई ऑर्डर दे रहा होता है और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करने लगते हो कि हर कोई मुझे ही आके सुना रहा है और हर कोई मुझे ऑर्डर ही दे रहा है, तो ये वाली फीलिंग आने लगती है। और शुरुआत में क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटीज़ वगैरह में आपको खड़े होने की आदत इतनी देर के लिए नहीं होती है, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा लगने लगता है कि यार मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोग जब जॉब स्टार्ट करोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि वो ट्रेनिंग वाला टाइम जो था वो ऐसे ही होता है, लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तब ऑलरेडी आप एक पोजीशन पे आ जाते हो। जब आपके अंडर एटलीस्ट अगर आप लोअर लेवल पे भी स्टार्ट करोगे, एसोसिएट लेवल पे भी स्टार्ट करोगे, तो भी आपके अंडर ट्रेनीज होते हैं और आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हो, तो आपके पास एक पावर होती है बोलने की, अपनी बात रखने की, जो कि एज अ ट्रेनी आपको कभी नहीं मिलती है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन बन जाती है काफ़ी सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के बीच में, बिकॉज कुछ लोगों के दिमाग में जब वो नेगेटिव परसेप्शन चले जाता है तो वो अपनी जो मेहनत कर रहे होते हैं अपने करियर को बिल्ड करने के लिए वो करना छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी, जिसमें ट्रेनिंग का मेरे ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसका रीज़न कुछ ये भी था कि मैंने रेडिसन जैसे ब्रांड से करी थी जो कि मतलब उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसी की जगह में अगर मैं किसी और बड़े होटल या लग्जरी होटल में ट्रेनिंग करता तो शायद मेरा जो मोटिवेशन लेवल होता वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वहाँ पे जो इम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं और बहुत कम इम्प्लॉयज़ होते हैं जो डिमोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे होटल में जाने लगते हो तो वहाँ पे आपके डिमोटिवेटेड इम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो जाते हैं और मोटिवेटेड बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए जब आप ट्रेनिंग पे जाएं तो मेक श्योर आप बड़े होटल, लग्जरी होटल्स, इस तरीके के होटल्स में जाएं, कोशिश एटलीस्ट वो करें ताकि एटलीस्ट आपको अगर मिल जाता है तो आप एक अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं ट्रेनिंग में और इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होगे। तो यार जैसे कि मैंने बोला, मैं खुद भी डिमोटिवेट हो गया था जिस वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया। ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बहुत बच्चे भटक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जो फोकस में थे कि आपको उसके बाद थर्ड ईयर में जाके कैंपस प्लेसमेंट्स करनी है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका, जिस वजह से मैंने अपनी इंग्लिश पे तो पहले से सुधार किया था, थोड़ा बहुत शाइनेस वगैरह इन सब चीज़ों पे भी मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जो है नॉलेज के लेवल पे मैं उतनी मेहनत करना मैंने छोड़ दिया, जिस वजह से थर्ड ईयर में जब कैंपस प्लेसमेंट्स शुरू हुई तो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह तो क्लियर हो जाते थे, लेकिन जब पर्सनल इंटरव्यूज की बात आती थी, जब एक पीआई होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें जाके मैं कई बार इंटरव्यू से बाहर हो जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि मैं अपने इंटरव्यूज की मैं तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है गाइस, क्योंकि आज 6 साल बाद जब मैं अपने पुराने उसको देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये गलती अगर मैं ना करता तो शायद मेरे हाथ में उस टाइम पे और बढ़िया जॉब होती है। तो यार तब हमारे कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गए थे, जो आप लोगों के साथ भी होगा, आपके कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे, आप लोग वही सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के सब कुछ करके एकदम इंटरव्यूज के लिए जाया करेंगे। नाउ यहाँ पे आपकी जो 2 साल की मेहनत होगी वो रंग दिखाएगी। अगर आपने मेहनत करी होगी, अगर आपने अपने ऊपर कोशिश करी होगी, मेहनत करी होगी, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा जॉब जरूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी होगी तो कितना भी अच्छा HMO आपको जॉब कैसे मिलेगा। और क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत मेहनत पहले से करी हुई थी तो इस वजह से मुझे लेमन ट्री होटल, जो कि इतना बड़ा नाम नहीं है, 4-स्टार प्रॉपर्टीज़ का है, उसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने उस समय मेहनत करी होती तो शायद वो मैनेजमेंट ट्रेनी में भी बदल सकता था। और क्या मैंने वो जॉब ज्वाइन करी थी या नहीं, उस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही था कि आप जब थर्ड ईयर में जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आपका चल रहा होता है जब आप अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 3 साल में अगर होटल मैनेजमेंट में अगर आपको कॉलेज से जॉब नहीं मिली तो आप बिल्कुल फेलियर हो, इट्स नॉट लाइक दैट। काफ़ी लोगों ने बाद में रियलाइजेशन करा और उसके बाद अच्छी अच्छी जॉब्स हासिल करी, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कॉलेज से ही तो आप उसे यूटिलाइजेशन करो, यही मेरा कहना है। और ये सब करते करते हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों को जॉब्स मिल गई थी, कुछ बच्चे थे जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली। आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छा आइडिया मिला होगा कि फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आप क्या क्या करते हुए जाते हो, कैसे कैसे होता है। जिन लोगों का 4 साल का कोर्स है उसमें ये 2 सेमेस्टर आप और जोड़ सकते हो, एक ट्रेनिंग का और एक और आपका पढ़ाई का, तो उसी तरीके से ये सब चलता है। तो आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखो यार, हमारा जो 3 साल का पूरा प्रोसेस था उसमें हम सीख ही रहे थे, हम जान ही रहे थे, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने पूरे वो 3 साल रख दिए जिसमें हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और क्या हमने सही डिसीजंस लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको साफ बता दी हैं।
ताकि आप अपने फ्यूचर में ये गलतियां ना करें। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, लव यू ऑल। टाइम स्टैम्प जो भी टाइम अभी हो रहा है उस टाइम को नीचे कमेंट करो और उसके साथ अपना कमेंट लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।